ये लड्डू खिला के संतोष जी को पटा ही लूंगा। तेरी ये आँख कहाँ से आ गई? निकल ले यहाँ से सनी चड्डा, इन्होंने मुझे यहाँ देख लिया तो बहुत मार पड़ेगी। चड्डे? वाह चीते वाह, क्या टाइमिंग है तुम्हारी। तुमको भी तभी टाइम मिला था जब करिश्मा मैडम को यहाँ पर आना था। अगर करिश्मा मैडम ने तुमको देख लिया ना तो जिंदा नहीं बचोगे तुम। जल्दी से लड्डू लो और निकलो यहाँ से। मैडम प्रेम शांति, प्रेम शांति आप भी कीजिए ना। आ, कहती मत करो। ये वाला लड्डू खाकर संतू जी जरूर हमारे पास चली आएंगी और हमारा बात मान जाएगी। चीता बेटे भाग ले इससे पहले कि सनी चड्डा पहुंच जाए संतू जी तक। आनंद के सागर में जा, जा, ओम शांति। प्रेम शांति, प्रेम शांति, प्रेम शांति। स्वागत है मैडम आपका। बताइए क्या सेवा करूं? जितना भी सीसीटीवी है ना यहाँ पे, और जितना भी अगरबत्ती है, और जितना भी लड्डू तुम सबको बांट रहे हो, वो हमको भी चाहिए। इसका क्या प्रयोजन है? इसका जवाब हम तुम्हारे बाबा को सीधा जाके दे तो कैसा रहेगा? उत्तम, अति उत्तम। बाबा अपने नयन चक्षु खोलिए बाबा, मैडम को आपसे वार्तालाप करनी है बाबा। दिल तो पागल है, बासीगर है, राजू बन गया जेंटलमैन है। बाबा रंगरसिया के आश्रम में आपका स्वागत है। कहिए। हमने सुना है कि आप अपने भक्तों से आशीर्वाद के बदले में सोना और ज्वेलरी लेते। जब ऐसे 1, 2 के 4 टाइप आरोप हमको लगते हैं ना मैडम, यकीन ना करेंगी आप, हमारा मन विचलित हो जाता है। जबकि सच तो ये है मैडम, हम तो हमेशा यहाँ पर मोहब्बतें बांटते हैं और हमेशा मोहब्बतें बांटते रहेंगे जब तक है जान। आहा, जाइए मैडम, इस वक्त हमारे भक्तों का टाइम है। ज्यादा सवालों से इसे कोयला मत बनाइए, वरना आप अच्छी तरीके से जानती हैं इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सुना आपने मैडम, श्रवण शक्ति तो उत्तम है आपकी। शांति, प्रेम शांति। मैडम संभाल की नौकरी ही तो है, क्या पता कल हो ना हो। मैडम ये क्या कर रही है, अनर्थ हो जाएगा। मैडम संभालिए, ये देखिए भक्तजन, देखो कैसे आग बबूला हो उठे। शांति शांति। नाराज हो गई मैडम, बहुत गुस्सा है इनके अंदर। देखिए मिस्टर विजय, प्लीज आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हम पर्सनली आपके केस को मॉनिटर कर रहे हैं। हम बहुत जल्द ये रंग रसिया के रहस्य तक पहुंच जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा बस 2 दिन और। नहीं 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 नहीं, हम स्टॉक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम केस की बात कर रहे हैं। हम आपका केस 2 दिन में सॉल्व कर देंगे जी। थैंक यू। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद जय हिंद। ये क्या हुआ, तुम लंगड़ा कर क्यों चल रहे हो? ओ करिश्मा मैडम का डंडा पड़ो। डंडा डंडा, करिश्मा मैडम का डंडा किसी को पड़ेगा तो वैसे ही चलेगा ना। हम तो बिना डंडा पड़े ऐसे चल रहे हैं क्योंकि बाहर मार्केट में हम गिर गए थे, इसीलिए हम वैसे ठीक हैं। एनीवेज आप सबके लव लेटर्स रेडी हैं? यस जी मैडम सर। हाँ है ना, ग्रेट, ले आइए। ऑल सेट।
पुष्पा जी शुरू करिए। हम जी जी क्या हुआ? शर्मा रही है मैडम से। ऐसे ऐसे ही शर्माती है ये। पहली बार जब मैंने देखा था तो मैं भी घबरा गई थी। वो इतने सालों बाद, मतलब बहुत सालों बाद लल्ला के पप्पा को खत लिखा है ना, थोड़ा सा लेटर। पुष्पा जी लेटर। हाँ हाँ पढ़ दे। प्रिय लल्ला के पप्पा, आप क्या गए, नींबू से तो जैसे रस ही चला गया। जीवन गन्ने के मशीन में बार बार डालकर निकाले गए गन्ने जैसा झाड़ू हो गया है। याद है जब पहली बार आपके माँ बाप ने हमें साथ देखा था तो क्या कहा था, कैसे राजमा चावल जैसी जोड़ी है, एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे। और याद है जब हम हनीमून पे जा रहे थे तो हमारा वो ट्रेन का पहला सफर, मूली के 12 पराठे एक साथ खाने के बाद आपका पेट जरा गड़बड़ा गया था और उसकी वजह से पूरा कंपार्टमेंट खाली हो गया था। तब पता चला कि आप कितने बुद्धिमान थे। आपकी तो ये चाल थी सबको वहां से भगाने की, ताकि हम अकेले रहे उस रात। उस दिन के बाद तो हमारे लिए मूली के पराठों की खुशबू के मायने ही बदल गए। पुष्पा जी बस हो गया। नहीं नहीं अभी है थोड़ा बाकी। नहीं नहीं बस हो गया। कैसा लगा? बहुत बढ़िया। संतोष roses are red, sky is blue. Please make distance, I could have flew. इतना सुंदर मैडम सर देख रहे हो, विद द सोशल मैसेज कितना सुंदर है। संतोष जी आगे 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 सुनाइए एकदम। बस इतना ही है। हैं? मैडम सर इतने शॉर्ट नोटिस पे बिना बॉयफ्रेंड के तो ऐसा ही लेटर लिखा जाएगा ना। अच्छा नेक्स्ट बिल्लू। डियर हीरा, जब से तुम्हें देखा है दिल चाबियों की गुच्छे जैसा झनझना उठा है। पता भी नहीं चला कब से मार कर मेरे दिल में घुस आई। मेरे मन के लॉकर का कॉम्बिनेशन तुम्हें किसने बताया? किसने बताया तिजोरी में कितना माल है? बिल्लू चोरी चकारी के बिना तुम कभी कुछ लिख ही नहीं सकते ना। आपके मूली के पराठे से तो ये बेहतर है। मूली के पराठों की खुशबू का महत्व तुम नहीं समझोगे बिल्लू। नेक्स्ट। मोहब्बत हो तुम हमारी, यही तो है हमारी बीमारी, और एक बार जब खत्म हो जाएगी ये महामारी तो देखेगी ये दुनिया सारी कि मोहब्बत। ये लव लेटर डिस्पेंसरी में बैठ के लिखे हो क्या? बीमारी तुम्हारी महामारी लव लेटर लिखे हो या लड़की को बद्दुआ दे रहे हो? दो चार दवाई के नाम भी लिख देते ना। मैडम से ये है बाबा रंग रसिया का ट्विटर हैंडल। इसमें लगभग 40 ट्वीट्स ऑलमोस्ट डेली आते हैं और सबका एक ही टॉपिक होता है, प्यार से रिलेटेड प्रॉब्लम। अरे तो सब लोग यहीं पर भीड़ लगाए हुए हैं। ठीक है बाबा वाला लड्डू और अपना वाला लड्डू दोनों अलग कर दे रहे हैं, फिर बाबा वाला लड्डू खाकर संतु जी हम पर लड्डू हो जाएंगे। संतु जी ये वाला दिखाओ। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद जय हिंद। आराम से। पुष्पा जी आप सब लोग को लड्डू बहुत पसंद है ना, हमारी माँ ने आप सब लोग के लिए अपने हाथ से लड्डू बनाकर भेजा है। हाँ? हाँ। अरे एक मिनट पुष्पा जी आराम से, हम दे रहे हैं ना। लीजिए मैडम सर आप भी लीजिए लड्डू। अरे नहीं नहीं हमें इतना सारा नहीं चाहिए, रुको डब्बा दो। मैडम सर ये बस इतना सा। क्या हुआ चीता? क्या हुआ क्या हुआ, अब जो होना था वो तो हो गया मैडम सर। चीता चतुर्वेदी जय हिंद। रिलैक्स मैडम सर, रिलैक्स। गेम खेल रहे थे जी, लूडो खेल रहे। लूडो सो क्यूट। क्या स्कोर हो गया है?
खुद है 20 लाख तक। 20 लाख? जी। वाह, तुम तो गेम में बहुत अच्छे हो और सच कहें तो काम में भी बहुत अच्छे हो। इफ यू डोंट माइंड कुछ पूछ सकते हैं? जी मैडम सर। तुम शाम को ड्यूटी के बाद क्या कर रहे हो? क्या? नहीं मतलब ड्यूटी के बाद फ्री हो तो। चीता चतुर्वेदी क्या होना था? इच्छा थी हमारे माँ की, ये अपने हाथ के बनाए लड्डू आप सबको टेस्ट करवाया तो खुद लेके टेस्ट कर ली मैडम सर तो। अम्मी से कहना कि बहुत अच्छे बने हैं एंड थैंक यू सो मच। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। संतू जी आप भी लीजिए, आंख बंद करके एक ही बार में पूरा खा जाइए। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। आइए आइए, ये देखिए क्या है हमारे पास। बाबा रंगरसिया के आश्रम से आप जो भी सामान जब्त करके लाई थी ये उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट। कमाल की बात है ना कि सीसीटीवी में कुछ नहीं मिला, लड्डू में कुछ नहीं मिला, यहाँ तक कि जो आप फूल मालाएं जब्त करके लाई थी उसमें भी कुछ नहीं निकला। इसका मतलब आपके पास बाबा रंगरसिया के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। आपका प्लान तो फेल हो गया। फेल इसलिए हो गया मैडम सर क्योंकि हम आपका इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे थे। हमारा तरीका होता तो फिर रिजल्ट कुछ और आता। बाबा रंगरसिया की असलियत दुनिया के सामने लाना यही एक तरीका है इस केस को सॉल्व करने का। ये नहीं, ये मजाक था मैडम सर। अच्छा, लेकिन जिस आदमी ने हमें ये भेजा उसे मजाक नहीं न्यूज लग रहा था। बहुत बढ़िया करिश्मा सिंह, हम इस थाने को न्यूज़पेपर में फेमस करते हैं, आप अलग से सोशल मीडिया पर फेमस कर दीजिए। अब भी वक्त है, संभल जाइए। संतोष शर्मा, बाबा रंगरसिया के जितने भी अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट्स, ऑनलाइन अकाउंट्स, सब पर ट्रैक रखिए और हमें अपडेट करते रहिए। जी मैडम सर। कुछ करना नहीं है, हमको करने नहीं देती है और ऐसे केस सॉल्व करेंगी। इतना तनाव अच्छा नहीं होता सेहत के लिए, थोड़ा शांत रहा करो। अभी के लिए तो ठीक है मगर आगे चलकर जब शरीर जवाब मांगेगा ना तब पता चलेगा। सुनिए तो। जी। देखिए हमारे पास एक उपाय है आपका ये टेंशन जो है ना वो दूर करने के लिए। अच्छा बताइए पुष्पा जी। मगर उसके लिए आपको हमसे वादा करना पड़ेगा, आप जो भी करेंगे हमारे हिसाब से करेंगे। हम चाय नहीं बनाएंगे सुबह का। फिर वही घिसा पिटा चाय पे बवाल। देखिए हम घर जाके बात करेंगे ना, हम अभी काम पे बात कर रहे हैं ना। देखिए हम आपको अनीता से मिलवा सकते हैं एकदम ऐसा पर्सनल लेवल पे, शायद आपके कुछ हाथ लग जाए। थैंक यू बोल के इस बात का मजा खराब नहीं करेंगे। कब मिलवा सकती आप? आज शाम 5 बजे। ठीक है। पुष्पा जी कब आएगी वो? गाल फट के बाहर आ रही है लेकिन आपको गोलगप्पा खाना। हाँ तो वक्त काटने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। आपके साथ बात करने से तो अच्छा है कि हम खाने के लिए मुंह चलाएं। अच्छा अच्छा। वो देखो आ गई। हाँ तो फिर चलिए ना। चलो। सुनिए। हाँ उसके साथ बात करो मगर कैसे, दोस्त बनकर, प्यार से। हाँ पुलिस बनकर नहीं। तो पुलिस दोस्त होती है? यही बात उसे भी समझानी है। अच्छा चलो चलो चलो। दे तो दो उसको, पैसे बाद में देते हैं। अरे भैया ये आलू कैसे दिए? पुष्पा जी, अनीता। अरे कैसे आप? अच्छा पुष्पा जी मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोलो ना। थोड़ा इधर आइए ना, आइए। ये अरे ये तो घर की ही है, हमारी छोटी बहन है। बहुत दुखी है बेचारी, इसका पति जो है ना इसको बहुत मारता है। अरे चलता है, अनीता भी तो अपनी ही है। हाँ क्या हुआ, दो चार बातें बता दी तो है कि नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपना ही समझिए मुझे। वो क्या है ना,
वैसे तो हम पुलिस में हैं, हाँ, मगर इसको ना ये बात पुलिस तक लेके नहीं जानी है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। पुष्पा जी, हाँ, मेरी राय तो ये है कि आप दोनों ना तुरंत तुरंत ही बाबा रंगरसिया के पास पहुंच जाइए। वो एक इसमें ही आप लोगों की समस्या सॉल्व कर देंगे। टमाटर में? अरे नहीं, एक लड्डू में आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। अच्छा, हाँ हाँ, और नहीं तो क्या। पुष्पा जी, क्या बताऊं मैं आपको, मेरी लाइफ तो एकदम बोरिंग हो गई थी। मतलब मेरी मैरिड लाइफ से तो पूरा रोमांस ही खत्म हो गया था। ये तो बाबा रंगरसिया का ही चमत्कार है कि मेरी ना रोमांटिक लाइफ फिर से अच्छी चलने लगी है। हाँ? मेरे हस्बैंड बिज्जू, हाँ, पता है उन्होंने कितने साल बाद मुझे लव लेटर लिखा है। हाँ? और ये सब बाबा रंगरसिया का ही तो चमत्कार है। पता है मैं तो इतनी खुश हो गई कि मैंने फौरन 5 तोले का हार गले से निकाल कर उनको गिफ्ट कर दिया। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद करिश्मा सिंह। आप ऐसे? जी, हम वो केस के सिलसिले में गए थे। आपको बताना चाहेंगे मैडम सर, आप बिल्कुल सही थी। ये बात ही पति पत्नी के बीच का है। पत्नी अपना मैरिड लाइफ का रोमांस जो लुप्त हो रहा है उसको बचाने के चक्कर में ऐसा उलझुल हरकतें कर रही है। बाबा रंगरसिया तो सिर्फ इस चीज का फायदा उठा रहा है। हम शर्त हार गए मैडम सर। आप एकदम राइट है और हम टोटल रॉन्ग। और जैसा कि हमने कहा था कि अगर आप सही निकली तो हम बिल्कुल वैसा करेंगे जैसा आप चाहेंगी। हम हाजिर हैं, बताइए हमको क्या करना है मैडम सर। देखिए करिश्मा सिंह, दरअसल बात कुछ ऐसी। मैडम सर, आई एम बिलू द स्पाई एट योर सर्विस। मैडम सर, ये लव लेटर जो विजय ने अपने वाइफ अनीता को लिखा था और बदले में अनीता ने बाबा रंगरसिया को 5 तोला सोने का हार भेंट चढ़ाया। 5 तोला दिखाओ। वो तो बाबा के पास है। अम्मा ये लेटर दिखाओ। हाँ हाँ। ऐसा भी क्या लिखा है इस लेटर में? मैडम सर, हम गलत नहीं है तो ये हैंडराइटिंग आपका नहीं? जी बिल्कुल सही, हमने ही लिखा ये लेटर अनीता को विजय की तरफ से, उन दोनों के बीच का खोया हुआ रोमांस वापस लाने के लिए। बताइए, और हम यहाँ ऐसी गिल्ट में मरे जा रहे हैं कि आप कितना सही थी और हम कितना गलत हैं। या तो बात ही कुछ और चल रहा है। देखो करिश्मा सिंह, यही तो बुनियादी फर्क है आपके और हमारे नजरिए में। आप सिर्फ तस्वीर को देखकर कलाकार का अंदाजा लगाती हैं, लेकिन हम रंगों की गहराई में जाकर, क्योंकि रंग ही है जिसके जरिए एक कलाकार लोगों के दिमाग से खेलता है, जैसा कर रहा है ये बाबा रंगरसिया। अनीता जैसी इनोसेंट औरतों का फायदा उठा रहा है, रिश्तों के बीच की दरार को भरने के नाम पर अपनी तिजोरी भर रहा है। ठीक है, उसे लगता है कि वो बहुत बड़ा खेल खेल रहा है, तो हम भी तैयार हैं। अब ये खेल हम खेलेंगे। पनिशमेंट किसने दी? पुष्पा जी ने कि मैडम सर ने? कभी कभी हम सोचते हैं बकलोली में अगर टैक्स लगे तो तुम्हारे मम्मी पापा का तो पूरा जमीन जायदाद बिक जाए। इसको शीर्षासन बोलते हैं। इससे दिमाग ठंडा रहता है, दिमाग ठिकाने पे रहता है और क्रोध शांत रहता है। फिर तो आप ट्राई करो, आपको जरूरत है। तुम ट्राई करो आके। तुम्हारे दिमाग में जो वायरिंग है वो डैमेज हो चुका है ना, वो ठीक हो जाएगा। अच्छा पहले मैं ये सब साइड में कर देती हूँ। हे भगवान, आओ। किया से पहले कभी नहीं? सर रखो नीचे। हाँ तुम्हारी अम्मा टोपा होगा, नहीं हो रहा है तुमसे। आजा आजा, ऊपर आजा। क्या हुआ? नहीं बहुत इजी है। इजी बहुत है, बस हवेली पुरानी है ना, दीवार थोड़ी सी ऐसी है, मुझे सिर्फ सीधी दीवार पे जमता है। तो मैं वैसे भी जॉगिंग करके आई हूँ, तो आप करो, मैं चेंज करती हूँ।
पागल है थे। मैडम सर, इसको मारने से हमारा केस सॉल्व नहीं होगा। अगर केस सॉल्व करना है तो कुछ सोचिए, कुछ करिए, या हमको बोलिए ना, हम एक मिनट में रफा दफा कर देंगे केस को। करिश्मा सिंह, आपके भी ये शीर्ष आसन करने से गुस्सा कम नहीं होगा। आप प्राणायाम करिए, तब जाकर शायद आपको ये इतनी सी बात समझ में आएगी कि समस्या बाबा रंग रसिया नहीं है, समस्या है वो अंधविश्वास जो अनीता जैसे लोगों को इस तरह के फ्रॉड बाबा तक पहुंचाता है। ये अंधविश्वास खत्म हो जाएगा, सारे बाबाओं का धंधा अपने आप बंद हो जाएगा। मैडम सर, यस मैडम सर, वो विजय चौहान बाहर आए और अर्जेंटली आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, उनसे कहो वेट करें, हम फ्रेश होकर आते हैं। यस मैडम सर। कितना टाइम भाई? चीता भाई, थोड़ी देर और, थोड़ी देर आ जाएंगी। थोड़ी देर ही, अब बस आ ही रही है, आ रही है, आ रही है। यस मिस्टर विजय, देखो आ गई। आ गई मैडम। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपने लेटर क्यों लिखा? मैं शक्ल से कैसा भी लगूं, लेकिन मैं बहुत होशियार आदमी हूँ। देखिए, हुआ ये था कि हमें लिखा तो लिखा, आपने पोस्ट भी कर दिया। हम आपको वही बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगा आपको, क्या लगा आपको कि मुझे पता नहीं चलेगा? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.